Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare.
हरे कृष्ण प्रेम से बोलो सब राधे राधे जरा हाथ उठा के बोल दो राधे राधे हाथ तोड़ के जरा मुंह खोल के बोल दो राधे 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बार मेरा धारानी के दुख दर्द मिटाए जाते Yeah.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज एकादशी है, हरे कृष्णा। आज एकादशी थोड़ी है, अभी बोलते जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। इसको पीछे करके इसको लंबा करके सर्वप्रथम मैं गुरुदेव के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि तत्वत प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी भक्त वरन माताएं बहन सभी के श्री चरण कमलों में यथा योग्य प्रणाम। आज हम सबका बड़ा ही सुखीन है कि आज हमारे श्री गुरुदेव के चरणों में रहकर कुछ नया सीखने को मिले। देखो, हम सही जानते हैं कि अभी जो युग चल रहा है वह कलयुग चल रहा है, और कलयुग को अभी मात्र केवल स्पर्श किया है। कलयुग ने केवल स्पर्श करने मात्र से इतनी भयानक स्थिति अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी किसी को देखकर खुश नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि हम आज ही करोड़पति बन जाएं। अगर पड़ोस में कोई जरा सा उसको लाभ हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। कारण है कि उसके घर में तो ऑटोमेटिक मशीन है, मेरे घर में अभी सादी मशीन है, वो कैसे आए। अब इसकी चिंता में हम अपना जो हमें कुछ करना है, जो हमें भगवान की भक्ति करनी है, जो हम अब तक कर रहे हैं, वो सब हम भूल जाते हैं और बस इसी चिंता में हम अपना सारा जीवन गंवा देते हैं। अभी अभी हम अब कभी ये सोचते नहीं कि हम में और एक पशु में क्या अंतर है, ये सोचने का हम कभी कोशिश भी नहीं करते, जबकि ये सोचना चाहिए कि भगवान ने अपने जैसा रूप
हमें क्यों दिया? भगवान के भी दो हाथ है, भगवान ने हमें भी दो हाथ पैर दिए, आंखें दी हैं, सब कुछ हमें दिया हम। और कहते हैं कि जो काम पशु करते हैं सिर्फ वो ही काम मनुष्य भी करता है, फिर मनुष्य पशु से क्यों श्रेष्ठ है, ये सोचना चाहिए। लेकिन हम सोचते नहीं, हम केवल सुबह को उठे, खाया पिया और सो गए, इसी को ही अपना जीवन समझते हैं। ये काम सब, ये चार सब काम तो पशु भी करता है। कहते हैं कि दुनिया में चार काम ऐसे हैं जो पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है, बल्कि अगर देखा जाए तो पशु के चार काम करने में हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। उसे भी आराम चाहिए, वो भी रात्रि में शयन करता है, और इंसान भी, मानव भी शयन करता है। भय, मृत्यु से सबको डर लगता है, मनुष्य को भी डर लगता है और पशुओं को भी डर लगता है। मैथुन, अपने परिवार की वृद्धि पशु भी करते हैं और मनुष्य भी कर रहा है, तो फिर मनुष्य किस तरह से श्रेष्ठ है? मनुष्य को भगवान ने अपना जैसा रूप दिया है, तो फिर क्यों? इसके पीछे गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा के अपना भजन कर सकता है, अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर सकता है, जो काम पशु नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस कलयुग में, गुरुदेव कहते हैं कि इस कलयुग से यदि हमें कोई पार मुक्ति दिला सकता है, इस भवसागर के बंधन से मुक्ति दिला सकता है, तो वह है दो छोटे छोटे से उपाय गुरुदेव बताते हैं। एक है एकादशी का व्रत और दूसरा है भगवान का नाम जप। कहते हैं कि कलयुग में भगवान नाम रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए ये जो महामंत्र अभी हम सब लोगों ने बोला है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये ही वो नाम है। इस नाम को कम से कम दो माला के माध्यम से हमें हर रोज जाप करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि इसी नाम में भगवान खुद विराजमान है। गुरुदेव कहते हैं कि जो ये नाम जप लेता है और एकादशी का व्रत कर लेता है, फिर उसे किसी और तरह की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। ये दो छोटे छोटे से उपाय गुरुदेव बोलते हैं। और ये जो महामंत्र है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इस महामंत्र को ऐसे ही कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा, ये महामंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर हम जैसे बदजीवों का कल्याण करने के लिए हमें प्रदान किया। इसलिए ये तो हम पे बहुत बहुत भगवान ने कृपा की है कि एक छोटी सी एक युक्ति बताकर हमें इस भवसागर के बंधन से पार लेने का हमारे हाथ में एक मंत्र दे दिया। अदरवाइज अन्यथा देखा जाए तो कहते हैं युग कितने होते हैं? चार होते हैं, आप सभी जानते होंगे। सतयुग होता है, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं गुरुदेव कहते हैं कि सतयुग में 1000 वर्ष रहे, जीरो और हट गए, वो 1000 वर्ष रहे, और जब कलयुग आया तो कलयुग में 1 जीरो और हट गए, तो अब वो 100 रह गए, और 100 का भी कुछ ठिकाना नहीं, 50-60 की आयु में ही राम नाम सत्य हो जाता है। आप सोचते हो कि आप हर रोज बड़े हो रहे हो, जबकि सत्य इसके विपरीत है, आप बड़े नहीं हो रहे, आप एक दिन रोज मृत्यु के निकट जा रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस पल, जिस घड़ी, जिस समय कोई भी सज्जन ये कहने वाला आपको मिल जाए कि भगवान भाई भगवान का भजन कर लो, भगवान हरि नाम को जाप कर लो, तो हमें बिना पल गवाए, बिना समय को गवाए, उसी समय से भगवान का भजन आरंभ कर देना चाहिए। और वैसे भी इस पे जो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको 3 बार बोल के भगवान ने इस पर पक्की मोहर लगा दी। कहते हैं, कहा गया है कि हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अनगत, अर्थात कि कलयुग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही
हमें मुक्ति दिला सकता है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहते हैं कि जिस बात को तीन बार बोल दिया जाता है वह प्रमाणित हो जाता है। तो आप सबसे भी विनती है, निवेदन है कि धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से यह समय जा रहा है। और आप, अच्छा एक बात छोटी सी पूछनी है कि आप में से एकादशी का व्रत कौन कौन नहीं करते? जो नहीं करते केवल वो हाथ, आप एक हाथ भाई कंफ्यूज ना करें, हाथ भाई। जिस परिवार ने आज ये सत्संग कराया है उन परिवार में से कौन कौन नहीं करते? ये लगता है सब लोग सब राजस्थान के ना, सब राजस्थान के हैं, कहाँ के? यूपी के सब, यही पैदावार है जी सबकी। तो आप सबसे निवेदन है कि आने वाली एकादशी 16 तारीख की है, 16 तारीख। कुछ लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि एकादशी का उद्यापन करना पड़ेगा, बहुत लोग एकादशी का व्रत इसलिए नहीं करते, जबकि गुरुदेव कहते हैं कि एकादशी के व्रत का किसी प्रकार का कोई उद्यापन नहीं होता। 8 साल की आयु से लेकर 80 साल की आयु तक एकादशी का व्रत हर कोई कर सकता है। एकादशी के व्रत में केवल अन्न को त्यागा जाता है, अन्न को त्याग कर और जो वस्तु में है जैसे फल है, दूध है, दही है, आलू है, दूध से बनी मिठाइयां हैं, वो आप छोटी छोटी मात्रा में एक बार नहीं दो बार नहीं जितनी हाथ में उंगलियां हैं उतनी बार ले सकते हैं, फिर भी व्रत भंग नहीं होता। और अगले दिन द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाकर वह अन्न प्रसाद जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा व्रत पूर्ण कहलाता है। हाँ देखो, जो एकादशी व्रत है, जैसे आप लोग कोई सोमवार व्रत रखते होंगे ना, कोई मंगलवार का व्रत रखते होंगे, कोई शुक्रवार का, कोई कोई तो 7-7 दिन व्रत रखते हैं, कोई व्यक्ति 7-7 दिन ये व्रत, ये 7-7 दिन व्रत रखते हैं। देखो जो एकादशी का जो व्रत है, ध्यान देकर सुनो, इसको कल्पतरु व्रत बताया। क्या बताया? कल्पतरु। कल्पतरु मतलब होता है जो मांगो। आप लोगों के पास में एकादशी का कोई पुस्तक है आपके पास में? अगर वो तो पढ़ करके देख लीजिएगा। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब नंद बाबा का घर में पुत्र नहीं था, उन्होंने एकादशी व्रत किया तो कृष्ण उनको बेटे बन के गया। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, मतलब जो एकादशी करने से जीव को मुक्ति मिल जाती है, 15 दिन में एक एकादशी आती है। एक एकादशी का नाम अर्णदा, मतलब वो एकादशी व्रत करोगे तो घर में खूब अन्न आएगा, खूब चकाचक घर में अन्न आएगा। एक का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है जो एकादशी व्रत करने से माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा। कथा सुन लो, लोग लोभ नहीं दोगे ना नहीं करेगा कोई एकादशी, आप बोलते ना कोई करेगा नहीं। एक एकादशी का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जो एकादशी व्रत को घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा तो पैसा आता है। एक एकादशी का नाम है कामदा, कामदा मतलब जो कुछ आप मांगोगे, जो कुछ इच्छा करोगे, देखना वही इच्छा पूरी हो जाता है। अब देखना कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, साल साल से मृत्यु हो ही नहीं रही, उसमें टाटी पेशाब उसे नहीं करते जा रहा है, पूरा घर परेशान, ये कमरे कमरे। अब किसी ब्राह्मण को बुलाओ, आप बताओ भैया इनकी जल्दी से जल्दी मुक्ति कैसे मिलेगा? अब देखना वो कोई बार व्रत, कोई बोलेगा नहीं सोम करो, कोई बोलेगा नहीं मंगल करो, कोई बोलेगा नहीं बुध करो, वो बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके फल दे सकते हो। मैं विदेश जाता हूँ प्रचार करने के लिए, मैं यूरोप गया था, ध्यान देना सुना, मैं यूरोप गया था, एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, पानी जैसे पैसा घर से निकलते हुए जा रहा था, उसमें टाटी पैसा परिवार परेशानी, इतने दुख कष्ट, उसका गले में प्राण अटक गया, प्राण जा ही नहीं रहे, शरीर के में हड्डी हड्डी रह गया, किसी तरह से मृत्यु नहीं हो रही है। तब मैं जब इंडिया से गया था उनको पता चला भैया इंडिया से कोई साधु संत आए उनको बुला कर दिलाओ, तब उन्होंने मेरे को बुला कर हॉस्पिटल ले गए, बोले बाबा इनके प्राण किसी तरह से नहीं जा रहे, इतने पैसा हमने खर्च हो गया, पानी जैसे ये पैसा जा रहे लेकिन इनकी किसी तरह से मुक्ति नहीं मिलता है, आप बताओ
इनकी मुक्ति कैसे मिलेगी। मैंने कहा एक काम करो, पूरा परिवार मिलकर के एकादशी व्रत रखो और एकादशी का व्रत का फल दे दो। बोले बाबा 10 दिन ही बाकी है, एक एक दिन जो बीत रहा है ना बड़ा कष्ट से बीत रहा है। मैंने कहा एक काम करो, आज सबके सब संकल्प लो, हम परिवार मिल करके एकादशी व्रत फल इनको देंगे। उनने संकल्प लिया और उसी रात में प्राण छूटा, उसी रात में। अब घर में भी देखना बहुत कड़ी कष्ट है, किसी तरह से तुम्हारी कष्ट हल नहीं हो रहे। आप स्वयं एकादशी व्रत करके उसका फल दो। कहते बड़े से बड़े जो कष्ट है ना, एकादशी का फल दोगे तो बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाएंगे। इतने शक्ति एकादशी की, किसी राजा का राज्य चला गया था, उनका राज्य नहीं मिल रहा था, एकादशी व्रत किया तो मिल गया। किसकी नौकरी छूट गई थी, घर में दुख कष्ट है, किसी तरह से दुख कष्ट हल नहीं हो रहा है, एकादशी व्रत करो। एकादशी व्रत से सारे दुख कष्ट तुम्हारी मिट जाएगी। इसलिए जितने सारे ग्रंथों में ये भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जितने सारे व्रत बार व्रत करते हो सब व्यास देव का लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने सारे ग्रंथ लिख करके जिसने लिखा है ना उनको ही शांति नहीं, वो खुद कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो भागवत ग्रंथ लिखे पूर्ण शांति तब मिले। इसलिए भागवत में कोई सोम का व्रत नहीं, कोई मंगल का व्रत नहीं, कोई शुक्र का व्रत नहीं, कोई शनिचर का व्रत नहीं, किसी का व्रत नहीं है, कोई देवादेवी का कोई व्रत नहीं, केवल उसमें एकादशी का व्रत। लेकिन कुछ लोगों का भ्रम है, भैया एकादशी तो उद्यापन प्रभु जी कह रहे तो उद्यापन नहीं, एकादशी भक्ति स्वरूप है, राधा जी के स्वरूप है, हम इनको त्याग नहीं देते, त्याग नहीं देनी चाहिए। कोई कहते हैं नहीं इसको तो विधवा करती है, हमको कोई सदवा नहीं करती। आप भागवत खुद पढ़ करके देखो, नंद जसोदा करते थे या मैया जसोदा विधवा थी, जिसको पांडव लोग करते थे क्या द्रौपदी विधवा थी, जिसको श्री अम्बरीश महाराज उनको पत्नी क्या उनकी पत्नी विधवा थी, कोई विधवा। सबसे जो बड़ी एकादशी देखना वो पांडव निर्जला है सबसे बड़ी, उसमें द्रौपदी स्वयं कंचे पांडव को साथ में करते। इसलिए इसको बताया 8 साल से लेकर के और 80 साल तक करनी चाहिए, उसको पहले उसको बाद में नहीं करो कोई बात नहीं। और एक चीज समझो, हम लोग जो एक एक व्रत करते हैं ना, जैसे सोमवार व्रत शंकर जी के लिए, मंगलवार हनुमान के लिए, बुधवार किसी गणेश के लिए, अलग अलग। भैया जगत में 33 करोड़ देवता, कितने को खुश करोगे? एक को खुश करो ना, दूसरा मुंह खुला कर बैठ जाएगा, तीसरा हो क्या तो चौथा मुंह खुला कर बैठ जाएगा, ये ग्रह को संत कर दूसरे ग्रह नाराज हो जाएगा, तीसरे ग्रह पर चौथा ग्रह तुम्हारे पीछे बढ़ जाएगा। कितने को मनाओगे तुम, कितने को मनाओगे तुम ग्रह को? हाँ कहते ना, जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे संकोई। जब भगवान वाक्य बिहारी खुश हो जाए ना, आपको किसी को पीछे जाने का जरूरत नहीं। जैसे अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। बोलो प्राइम मिनिस्टर कौन है तुम्हारे भारत में? बोलो जोर से, मोदी जी। मोदी किसको उसने रेल मंत्री बना दिया, किसको उसने अर्थ मंत्री बना दिया, किसको उसने बिजली मंत्री बना दिया, किसको उसने सड़क मंत्री बना दिया। अब देखना अलग 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 व्यक्ति को उन्होंने अलग अलग मंत्री बना दिया, समझ रहे हो? उसी तरह भगवान ने ये अलग अलग देवताओं को ना उन्होंने अलग अलग ड्यूटी दे दिया। लेकिन जब कोई व्यक्ति मोदी को पास में चले जाए, जब कोई व्यक्ति मोदी को शरण पिधारे, जब कोई मोदी को शरण में चले जाए, अगर किसको पता चल जाए ना, दूसरे दूसरे व्यक्तियों को जो बड़े बड़े मंत्री, अगर पता चल जाए ये अमित शाह, अमित शाह है, अगर पता चल जाए भैया मोदी का डान हाथ अमित शाह है, मोदी का दाएं हाथ है इसलिए अमित शाह है, समझ रहे हो? फिर उसको पीछे कोई नहीं पड़ेगा, उसको पीछे बढ़ना अपना नौकरी जाएगी। बाकी चीज को समझो, ये जितने 33 करोड़ देवता को हम खुश कर लिए, अलग अलग व्रत करके कुछ भी करने वाले नहीं, ये कोई भी तुम्हारी कोई भी काम में आने वाले नहीं है। अब देखना मरते समय जिसको पूजो, इसको पूजो कर लो, उसको पूजा, उसको पूजा। आप बताओ मृत्यु मरने का समय जो 4 व्यक्ति कंधे ले जाते हैं, बताओ तो क्या बोलते हैं? आप लोग बोलो, जोर से बोलो, राम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोलो। जो एकादशी व्रत को बताए ये कल्पतरु व्रत है, कल्पतरु व्रत मतलब जो मांगोगे एकादशी व्रत करके,
जो मांगोगे एकादशी व्रत करके तुम्हें वही मिलेगा, वही मिलेगा। एकादशी व्रत की इतने महिमा, एकादशी व्रत अनजान में तो पति पत्नी लड़ाई होगी, उनको पता नहीं था जी एकादशी, उनको पता नहीं था। सवेरे देखना अगर घर में लड़ाई हो जाए ना, तीन तीन दिन तक चार 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 दिन पूरा निर्जल एकादशी होता है और तीन तीन चार चार दिन निचला एकादशी व्रत कर लेते हैं। अगर ठंड बनने लग जाए, बोले रोटी नहीं बना के पति को मैं खाऊंगा नहीं तो बना हुआ देना, दो तीन दिन तक पूरा पूरा निर्जला व्रत चलेंगे, समझ रहे हो। इसलिए किसी घर में लड़ाई हो गई, पति पत्नी में लड़ाई हो गई तो पत्नी ने, उनको पता नहीं था एकादशी, पत्नी बोले आज रोटी नहीं बनाऊ, पत्नी का आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज लग गया लड़ाई हो गई ना, आपके कभी झगड़ा होते कि नहीं घर में, बिना कारण से इधर उधर। उन्होंने अनजान में कैसे एकादशी व्रत हो गई, अगले जीवन में वो राजा और रानी बनकर जन्म हुए, ये रूपमांगद महाराज उनकी पत्नी पुराण में कथा आती है। वो एकादशी व्रत रखते थे और पृथ्वी के, पृथ्वी का राजा बने और सब पे एकादशी व्रत रखवाया करते थे, रखते थे दूसरों को व्रत में रखवाया करते थे। एकादशी व्रत की इतना महिमा, ठीक है ना। सबके सब क्या करना बोलो, देखो जैसे सोमवार करता कोई, मंगलवार करता कोई, शनिश्चर करता। शास्त्र में बताया अगर ये व्रत नहीं करोगे ना तुम्हारा कोई हानि नहीं है, अगर ये व्रत नहीं करोगे तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा। लेकिन एकादशी व्रत ऐसे एक व्रत है, अगर ये व्रत को नहीं करोगे तो हानि बताया था, और कोई व्रत नहीं करो उसको कोई हानि नहीं बोलेगा। लेकिन एकादशी व्रत नहीं करोगे, अन्न खाओगे बोले गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या, सबके सब हत्या तुमको भोगना पड़ेगा। और मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ, हरे कृष्णा सुनो, इधर सुनो, जो एकादशी जो कथा है ये एक साइंस ही है। ये क्या है? साइंस। अगर साइंस का युग आ गया ना, अगर साइंस को पर सबसे ज्यादा विश्वास करते साइंस को, क्योंकि अभी साइंस का युग है। साइंस देकर समझा हो बोले भैया इसमें कुछ दम है, और ऐसे बोलेंगे अरे ये सब काल्पनिक सब गप्पे है, हैं ये सब व्रत व्रत सब के सब ये गप्पे है, यदि कुछ नहीं बेकार है। हाँ देखो इसमें क्या साइंस है, बोलो तो क्या साइंस है। देखो इनको जानते हो, कौन कौन जानते हो बोलो, आप जानते हो कौन कौन, कैसे जानते हो इनको भैया, कैसे जानते हो केवल मठ में इतना पता ही, क्या करते हैं बोलो, क्या करते हैं बोलो, क्या करते हैं ये सीए है, और छोटे मोटे सीए नहीं, इनका इनका अधीन में 8-10 नौकर काम करते सीए में, हैं दो तो हैं, दो तो यहीं बैठे, ये दो तो यहाँ दो तो यहीं बैठे ना, तो ये दोनों बैठे हैं यहाँ पर, ये सीए है, छोटे मोटे सीए नहीं, जिनके अधीन में 8-10 व्यक्ति जिनकी कंप्यूटर में इनके पास में सबके सब काम करते हैं, समझ रहे हो। इसलिए देखो इनको देखो, ये इसी विषय पर बोल रहे हैं, साधारण व्यक्ति बोले ना ये क्या ऐसे बोलते रहते हैं सबके सारे, लेकिन देखो ये क्या साइन, इसमें क्या साइंस है, ठीक से सुनना, इसके बाद फिर मैं पूछूंगा, देखा कौन बता सकता है बताओ। अभी गुरुदेव बता रहे हैं कि एक तो बात हो गई एकादशी का व्रत अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ये अध्यात्म शास्त्रों में लिखा है, दूसरे इसमें साइंस क्या है जो हमारे शरीर की भी रक्षा करता है। कहते हैं कि दसवीं से लेके अमावस्या तक और दसवीं से लेके पूर्णिमा तक, इन दोनों समय में क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वह जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो ये जो देखो इन्हें प्रभु जी बताया ना, देखो शास्त्र में जो बात बताया दो दृष्टिकोण से बताया, एक दृष्टिकोण ये बताए क्योंकि शरीर के बगैर भजन नहीं होगा, शरीर सुस्त रहेगा तब तो भजन कर सकते हो, शरीर सुस्त नहीं होगा तो कहते ना भूखे ना भजन भय गोपाल ले ले तेरे कट्ठी वाला। इसलिए ये दो दृष्टिकोण से, एक दृष्टिकोण शरीर सुस्त रहनी चाहिए, फिर आध्यात्मिक शारीरिक और आध्यात्मिक, ये दो दृष्टिकोण से उन्होंने बताया। जैसे ये शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को आप कंटिन्यू चलाओगे देखना मशीन ज्यादा देर काम नहीं करेगा, वो खराब हो जाएगी, ध्यान हो यो कोई भी मशीन को, ये शरीर एक मशीन है, अगर ये मशीन को कंटिन्यू चलाओगे, जैसे आप लोग दुकान करते किसका नौकरी किसका है, किसका नौकरी है है। आप संडे को छुट्टी होता है कि नहीं? छुट्टी होता है ना, क्यों छुट्टी करते हैं? भैया शरीर के लिए विश्राम चाहिए। जैसे एक बच्चा स्कूल पढ़ता है,
अभी तो सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी रहता है। बोले क्यों छुट्टी क्यों दे, 7 दिन पड़े ना बच्चा बढ़िया पड़ेगा। बोले बढ़िया नहीं पड़ेगा, पागल हो जाएगा वो, क्योंकि ये ब्रेन एक मशीन है। इसलिए जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, देखना 7-8 पीरियड होता है, बीच में एक पीरियड छुट्टी, कल छुट्टी होता है, होता है कि नहीं, रिसेस होता है। बोले क्यों, ये ब्रेन को अगर कंटिन्यू चलाओगे ये ब्रेन खराब हो जाएगा। अगर बच्चों का आधा घंटा दे दो ना खेल कूद करने के लिए, फ्री माइंड फ्री हो जाता है, फ्री हो जाए तो फिर ये अच्छे तरह से बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। कहते उसी तरह जो शरीर है, ये शरीर भी एक मशीन है। ध्यान से सुनो, आप लोग भी ध्यान से सुनना, दूसरों को भी बता सकते हो, ठीक है ना, दूसरे को बता सकते हो। उसको गोद में ले लो, पापा गोद में ले लो। इसलिए ये शरीर एक मशीन है, ये ब्रेन भी इसको कंटिन्यू नहीं चला, बीच में रेस्ट देनी चाहिए। उसी तरह ये शरीर भी एक मशीन है। अगर बकरी जैसे दिन भर खाते रहोगे, बकरी को देखा है ना, दिन भर मुंह चलाते रहता है, अगर हम भी ऐसे बकरी जैसे दिन भर खाते 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 रहेंगे ना, ये शरीर क्या होगा, शरीर हमारी नष्ट हो जाएगी, शरीर हमारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए ऋषि मुनिया ने कहा देखो ये शरीर को बीच बीच में थोड़ा रेस्ट दिया, शरीर को रेस्ट दो। बोले क्या रेस्ट दे, बोले क्या रेस्ट दे, बोले शरीर को कम से कम 15 दिन में एक बार उसको भोजन मत दो, भोजन मत दो, भोजन मतलब उसको एक दिन थोड़ी सी विश्राम दो, दे एकादशी का दिन। देखो अभी प्रश्न आता है, फिर एकादशी का दिन क्यों दे, जैसे सोम मंगल बुध व्रत रखो तभी तो शरीर को विश्राम दे सकते हैं, हम एकादशी का दिन क्यों विश्राम दे, ये चीज को अच्छी तरह समझो। इसलिए बताए एक समुद्र में हाई टाइड होता है, अभी तो समुद्र पकड़े आपके पास में कोई नहीं रहते हो, जो समुद्र के पास में रहता है उनको पता है उसमें पानी उफनती है और पानी घटती है। बोले क्यों, बोले जो चंद्रमा है ये पृथ्वी को खींचती है और ये पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है, दोनों दोनों को खींचते हैं, लेकिन चंद्रमा तो पृथ्वी इतना बड़ा उसको खींच नहीं सकता, उसको तो खींच नहीं सकता, इसलिए उसको प्रभाव पानी के ऊपर पड़ता है, पानी तरल वस्तु है, इसलिए पानी के ऊपर, और समुद्र बहुत बड़ा है इसलिए पानी के ऊपर पड़ता है, पड़ने का वजह से समुद्र में एकाध जिस परिमाण से चंद्रमा बढ़ती रहेगी उसका आकर्षण उतना जाता रहता रहेगा, इसलिए समुद्र का पानी भी उतना उफानती रहती है। और पूर्णिमा का दिन इतने बड़ी बड़ी लहरिया, इतने बड़ी बड़ी उसमें जो आता है जो सोच भी नहीं सकते है, लेकिन अमावस्या के बाद में धीरे धीरे घटने लग जाती है। उसी तरह कहते हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर भी 5 चीज को द्वारा बना हुआ है। कितना चीज से बनी है, 5 बता सकते हो शरीर में 5 चीज क्या क्या, पीछे बताओ माता है, आप बताओ भैया, आप बताओ शरीर में 5 चीज शरीर बनी हुई है, बताओ 5 चीज क्या, अग्नि वायु तत्व और नहीं, जल अग्नि वायु पृथ्वी पृथ्वी और आकाश, 5 तत्व, वो 5 तत्व से ये शरीर 5 तत्व से बनी हुई है। इसलिए बनने का नाते कभी जो शरीर में ये 5 चीजों में सबसे ज्यादा क्या है, शरीर में जल, जल है। आप बता सकते हो जल उसमें कितना परसेंटेज है, जल 70%, इसमें जो पानी है, इसलिए इसमें पानी, बाबा बैठ जाओ, किसको देख रहे, ध्यान देख रहे, सुनो ऐसे नहीं, बाबा लोग आके गप्पे मार कर चले, हम भी जैसे बाबा लोग, हम कोशिश कर रहे हैं आपके दिमाग में चीज बैठे, हम कुछ देने के लिए आपसे कुछ लेने के लिए नहीं है, आप कुछ देने के लिए आए, अगर इतनी सी चीज ले लिया तो समझो जीवन भर इसी जीवन में सुखी रहोगे और उधर भी सुखी रहोगे, दोनों लोग भी सुखी रहोगे, ठीक है ना, ध्यान देख रहे सुनो। इसलिए इसने पानी उसमें ज्यादा है, 70% उसमें पानी पानी होने का नाते आप लोग देख लेना, जिनकी घुटने में दर्द है, कमर में जिनके दर्द है, आप देख लेना एकादशी का दिन थोड़ी ज्यादा दर्द होगा, द्वादश में और थोड़ा दर्द, पूर्णिमा में इतने दर्द होगी सो भी नहीं सकता, इतने दर्द होने लग जाए, क्यों, चंद्रमा खींचती है, वो माध्याकर्षण शक्ति खींचती है, खींचने पर पानी के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, शरीर में ज्यादा पानी है इसलिए शरीर में दर्द होना शुरू हो जाती है। अगर इसलिए ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अभी का साइंटिस्ट जैसे नहीं, आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे, न्यूटन का नाम सुने होंगे, उन लोगों ने बड़ी बड़ी थ्योरी बता करेंगे, लेकिन अभी जो साइंटिस्ट है उनका थ्योरी में गलत बहुत बता रहे,
कभी ये गलत बताया। लेकिन अब रामायण देखो, अभी रामायण का कोई अक्षर अभी किसने गलत बताया? रामायण का, रामचरितमानस का कोई अक्षर किसने गलत बदला है? भागवत का कोई अक्षर बदली है? गीता की कोई अक्षर बदली है? कोई वेद का कोई अक्षर अभी तक बदला है? कोई भी अक्षर नहीं बदला। बोले क्यों? कहती है प्रॉपर साइंस, प्रॉपर ये साइंस है। इसलिए ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा जब तक ये शरीर सुस्त नहीं होगा ना, तब तक आप भजन भी नहीं कर सकते। शरीर सुस्त होगा तब तक भजन करोगे ना, ये तो भजन कैसे करोगे? इसलिए बोले देखो भैया, 15 दिन में एक बार एकादशी व्रत करो। क्या करो? एकादशी व्रत करो। एकादशी का दिन उन्होंने क्या खाने के लिए बताए? फल। क्या बोले? फल। जैसे आप लोग अगर अन्न खाओगे, अगर आप रोटी खाओगे, हैं? देखना उस स्पंज जैसे होता है, वो स्पंज जैसे वो पानी को मांगेगा। रोटी खाओ थोड़ी देर बाद में आपको प्यास लगेगी, हैं? अब चावल खाओ थोड़ी देर बाद में आपको फिर प्यास लगेगी। लेकिन अगर आप फल खाओगे, ए बात मत करो, लास्ट में कोई बात मत करो, चुपचाप आकर बैठ जाओ। जब सिनेमा हो ना, आधा घंटा पहले वहां पहुंचे, जब लास्ट वो सत्संग हो जाएगा, लास्ट में आखिर में आओगे, प्रसाद प्रसाद मिलेगा। चलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, चुपचाप बैठ जाओ, कोई बात मत करो। हाँ, इसलिए बोले क्या करो? एकादशी का दिन अन्न मत खाओ। अन्न खाओगे तो क्या होगा? तुम्हारी पानी ज्यादा मांगेगी। अगर ज्यादा अगर पानी मांगेगी फिर क्या होगा? फिर शरीर में ज्यादा पानी जाएगा। शरीर में जितना ज्यादा पानी जाएगा उसके ऊपर चंद्रमा की प्रभाव, उसको ज्यादा चंद्रमा की प्रभाव पड़ेगा, पड़ने पर फिर शरीर में दर्द होना, बीमारी होना शुरू हो जाओगे। इसलिए बोले क्या करो? एकादशी का दिन फल मूल खाओ, जिसको खाने से वो पानी ज्यादा नहीं मांगेगा। जितना पानी शरीर में नहीं जाएगा उतना शरीर तुम्हारी सुस्त रहेगा। अगर एकादशी का दिन अन्न खाओगे तो बीमारी पड़ेगा तो फिर मेडिसिन, क्या नाम कहते हैं, मेडिसिन, ये पाप को सृष्टि करता है। टेरामाइसिन, क्रोसिन, नाम सुनेगे नहीं सबके सब, ये सब सीन 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 बता। क्यों बताया? बोले ये सब क्यों बीमारी? बोले पाप से ही ये सारे बीमारी। इसलिए मेडिसिन, टेरामाइसिन, क्रोसिन, क्रोसिन, इसलिए सब नाम बताए। समझ रहे हो? इसलिए एकादशी व्रत जरूर करनी चाहिए। देखो एक समय कृष्ण अर्जुन जा रहे थे, हठात बड़ी जोर से रोने की आवाज आ गई। कृष्ण का नारद जी हम कहाँ गए? इतनी जोर से रोने की आवाज, कोई बोल रहा है छोड़ दो, और नहीं करेंगे। बोले कहाँ पर आ गए? बोले हम लोग आ गए संजीवनीपुर में। बच्चों को लेकर पीछे, इसलिए हम आ गए संजीवनीपुर में आ गए। बोले संजीवनीपुर क्या होता है? बोले जहाँ पापी लोग पाप करते हैं और जम उनको दंड देता है। बोले चलो तो हम वहां चलते हैं। वहां पर जाकर के देखा कि 84 नरक है, और जैसे जैसे जो कर्म किया हुआ था उसका फल भोग रहे। जो शराब पिए थे उनको मुंह में लोहे गला करके डाल दे, और जो इन्हीं आंखों से उल्टा पुल्टा गंदी गंदी पिक्चर देखे उनको जिंदा जिंदा उनका आंख निकाल रहे थे, हैं? और जो जानवर को मारे थे, कर्क में काट रहे थे, उनको जिंदा जिंदा उसको काट रहे हैं। और जो जानवर को फ्राई किया था कढ़ाई में, हैं? उसको ऐसे जैसे पकौड़ा बनाते हैं ऐसे उसको निकाल रहे थे, हैं? और जो इन्हीं हाथों से हेर फेर कर रहा था उसका अंगूर काट रहे थे और चीख रहे थे छोड़ो छोड़ो और नहीं करेंगे। बोले करते समय तो तुमने नहीं सोचा, हाँ भैया जो पाप है ना, अपना पाप को भी नहीं छोड़ता है, किसी को भी मत समझो। अभी हमने कर लिया और कोई देख नहीं रहे, इसलिए हमारे जितने फोटो है ना जो खींच रहे हैं उनका नाम चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब जानते हो? चित्र मतलब होता है फोटो, और गुप्त मतलब होता है छुपा करके। अगर कोई बोले भैया 10 तला बिल्डिंग के ऊपर में हम दरवाजा बंद करके कुछ कर रहे हैं, कुछ दरवाजा बंद करके कर रहे हैं, बोले नहीं, आप जो कुछ कर रहे हो वो सारे फोटो हमारी अपने आप जा रही है।
देखना एक पिता की पांच बेटे हैं, एक पिता की पांच बेटे हैं। अब देखना एक पिता के तो पांच बेटे लेकिन सबका नेचर अलग है। एक बेटा तो बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन एक बेटा देखना एकदम मूर्ख है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एक बेटा देखोगे बड़े सुंदर है, एक बेटा बीमार देखोगे, एक बेटे को बीमार देखना। बोले ऐसे क्यों? एक पिता के तो पांच बेटे हैं, इनका नेचर अलग देखना, इनकी स्वभाव अलग, सबके सब अलग। क्यों? इसलिए गुप्त रूप में छुपा करके हम कहां पर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बोले दिन में जैसे सूर्य का किरण है, सब जगह में सूर्य का किरण सब देख रहे हैं, वो सारे पटो वहीं पर चल रहे हैं। रात में रात सब जगह पे चंद्रमा किरण नहीं तो रात सब जगह में, ये दस दिशाएं हैं। हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सारे फोटो वहां खींच रहे हैं, सारे पट रहे हैं। और मरने के बाद वो सारे कॉपी खोलता है, हमने कैसे कैसे कहां पर क्या किया, कर्म हमने किया, सब निकलेगा। इसलिए कभी कभी हम संसार में दुखी हो जाते हैं, नहीं हमने कुछ नहीं किया, हम तो भगवान के भजन कर रहे हैं, हमें जीवन में ऐसे क्यों कष्ट आ रहे हैं। हमने नहीं भैया, इसलिए ब्रह्मा कहते हैं तत्व कंपा सुमिक समान भुंजा में एवात्म विपाक। जैसे हमने बीज बोया है, जैसे अगर हम चीकू का बीज बोओगे बताओ कौन सा वृक्ष आएगी? चीकू आएगी। अगर आम का पुटली बोओगे कौन सा वृक्ष आएगी? अगर नीम का बीज बोओगे, अगर करला का बीज बोएगी, करला है। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं जब कोई कष्ट आता है ना बुलबुलाते हैं, भैया हमने कुछ नहीं किया, ऐसे क्यों होना पड़ा, ऐसे क्यों होना पड़ा, नहीं हमने जैसे। इसलिए जब कृष्ण नारद वहां पर गए, वहां पर देखा पापी लोग बड़े सजा भोग कर रहे, पापी लोग बड़े दंड भोग कर रहे थे, इसको देख करके श्री नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। कृष्ण ने कहा नारद जी आज कौन सा तिथि है? बोले प्रभु आज एकादशी तिथि, आज एकादशी तिथि आज। बोले जाओ सब जगह में तो बिना बजा करके सब जगह में बोल दो, जो व्यक्ति ये एकादशी व्रत रखेगा उसको कभी नरक आना नहीं पड़ेगा, वो कभी नरक नहीं जाएगा जो एकादशी व्रत करेगा। फिर नारद जी उठाया बीना, उठा करके सर्वत्र उन्होंने एकादशी की। बोले भगवान कृष्ण बांकीय बिहारी का निर्देश है, जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखेगा वो कभी नरक नहीं जाएगा। सब लोग एकादशी व्रत करना शुरू कर दिए। अब एकादशी व्रत किया तो अभी तो जो एकादशी व्रत करे सीधा वैकुंठ, सीधा वैकुंठ ठाकुर के पास में चलना शुरू कर दिया। जो एक पाप था ना, अभी पाप दुखी हो गया। एक बार भगवान के पास में गया, बोले प्रभु हमें सृष्टि आपने क्यों किया? जो एकादशी व्रत कर रहे हैं वो सीधा वैकुंठ जा रहे हैं, हमें कहीं स्थान दे दो। बोले देखो एकादशी का दिन जो व्यक्ति अन्न भोजन करेगा, तुम्हारा जो स्थान अन्न में तुम्हारे स्थान है, जो एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा उसको सारे पाप उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए एकादशी का दिन आप लोग नवरात्र रखते हो? कौन कौन रखते हो? पूरा सर रखे हैं, डबते हैं, सब रखे हैं। इसलिए जो एकादशी व्रत है वैसे राधा रानी कृष्ण बांके बिहारी व्रत, जब राधा जी की व्रत हो जाते हैं व्रत सब हो जाता है। जैसे आप लोग 9 दिन तक नवरात्र रखते ना, क्या क्या खाते हो? कुट्टू की पकौड़ी, कुट्टू का पकौड़ा, आलू सब्जी है, केले यही खाते हो, फल खाते हो, वहां पर तक तुम कंटिन्यू 9 दिन रखते हो। इसलिए एकादशी का दिन 15 दिन में एक एकादशी आते हैं, है ना। अब उस खाने के लिए कोई ये कर नहीं, कोशिश करना जैसे दोपहर तक जैसे कुछ नहीं खाए, क्योंकि ये शरीर मशीन है, ये मशीन अगर कुछ थोड़ी सी रेस्ट हो जाता है ना शरीर पर, शरीर में ताकत आ जाती है, शरीर में एनर्जी आ जाती है। कोशिश करना दोपहर तक नहीं खाने के लिए, अगर दिन में एक बार खाए जिसका शरीर सुस्त है, दिन में अगर एक बार खाओ तो अच्छी बात, अगर एक बार में तुम्हारी नहीं चलता है दो बार भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल अन्न नहीं खाना, जैसे सरिसो, जैसे गेहूं से जो चीज बनती है, जौ, जो दाल है, आप लोग जैसे व्रत आप सब जानते हो, आप लोग कुट्टू का पकौड़ा बना कर खाओ, चला जाओ गर्म गर्म खाओ, आलू का फ्राई करके खाओ, उसमें ये डाल करके दही डाल कर खाओ, कोई फ्रूट क्रीम भी बना सकते हो, फल भी, दूध, दही, खाने के लिए बहुत चीज है, खाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं।
अगर इसमें कोई बीमारी है बोले नहीं हम तो व्रत नहीं रख सकते, तीन बार भी खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल कोशिश करना हारना नहीं खाने के लिए। और दूसरे दिन टाइम से केवल व्रत को खोल देना, टाइम से केवल व्रत को खोल देना, इतना कर दो बस। बड़ी बड़ी महत्व है, आप स्वयं देखोगे बड़े से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े दुख कष्ट एकादशी व्रत करने से ये सब के सब दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। बोले जी एकादशी व्रत की जय। अगली बार कौन कौन करेगा, हाथ में आपके हाथ में डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर से कोई हाथ नहीं उठा रहे, ये घर की माता है क्या चुप हो, कितना मैंने खोपड़ी मारे तभी दिमाग में नहीं उठते, इसलिए सबके सब एकादशी व्रत रखते हैं। एकादशी व्रत रखना बड़े से बड़े दुख कष्ट उसमें एकादशी में नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा काम क्या करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर दो, क्या करना एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो हमारे एक प्रभु जी, हमारे एक प्रभु जी एक आपको एक सुंदर स्टोरी सुनाए, बढ़िया स्टोरी सुनाएंगे, ध्यान देकर सुना, ये प्रभु जी की ये स्टोरी से सुनाएंगे, ये स्टोरी सुनने के बाद है ना मैं आपको पूछ सकता हूँ कल के व्रत के लिए प्रभु जी बात, इसलिए ये स्टोरी प्रभु उसको बाद में आपको पूछूंगा, जो जो ये स्टोरी मेरे को दो बार सुना देगा ना उसको मैं बढ़िया इनाम दूंगा, उसको मैं बढ़िया इनाम होगा, स्टोरी जो सुन करके मेरे को बोल पाएगा। हाँ ठीक है ध्यान दे करके प्रश्न है कुछ शुरू करने से पहले, आप सभी को पता है नमक हराम का मतलब क्या होता है, नहीं पता, पता तो सबको बोल को नहीं रहा, सभी को पता है, कितने लोग हैं जिसको नहीं पता नमक, हाँ नो बताओ किस किस को पता है, चोर की दाढ़ी में दिन का हाँ इसका मैं ये क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। गुरुदेव ने आदेश दिया है कि स्टोरी सुनाने के लिए, ये स्टोरी मेरी लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। एक राजा था, उसकी चार रानियां थी, पहली रानी को वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जो वो चाहती थी जिस मोमेंट पे चाहती थी वो उसको ला के देता था, चाहे रात के 12 बजे। जो तीसरी रानी थी वो बहुत मीठा बोलती थी, मतलब राजा को कभी अपने दिल की बात कुछ परेशान होता था, मन से कुछ परेशान होता था, कभी किसके साथ जाकर बात शेयर करूं तो अपनी तीसरी रानी के पास जाकर बात शेयर करता था, वो उसकी सारी बातों को बहुत प्यार से समझा देता था। पर जो चौथी रानी थी उसके साथ उसका अभी न्यू मैरिज हुई थी, तो उसका उसके साथ कुछ हार्ड इंट्रैक्शन नहीं था, कुछ ज्यादा सोचता नहीं था उसके बारे में, ज्यादा कुछ बात नहीं करनी, उसको नेग्लेक्ट कर रखा था, उसे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, कैसी है, बीमार है, ठीक है, कभी पूछा नहीं उसके बारे में। उसने अपनी सारी लाइफ ऐसी स्पेंड कर दी, लास्ट मोमेंट में राजा ने सोचा मैंने अपनी पूरी रानी पूरी लाइफ अपनी चारों रानी के लिए बिता दी, अब मैं अपने आखिरी समय में हूँ, क्या कोई रानी मेरे साथ चलने को तैयार होगी। तो राजा बोलता है चलो एक बार पूछ के देखता हूँ,
अपनी चारों रानी को बुलाता है, सबसे पहले अपनी बड़ी जो रानी थी, सबसे जिसको सबसे ज्यादा प्रिय थी, उसकी तरफ देख के बोलता है, देखो मैंने अपनी पूरी लाइफ तुम लोगों के लिए निकाल दी, जो तुमने मांगा जब भी मांगा मैंने तुम्हें ला के दिया, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम मेरे साथ चलोगी। पहली रानी से पूछता है, तो पहली रानी बोलती है कि नहीं मैं तेरे साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी। अब राजा को सुन के बहुत ज्यादा शौक लगता है, अगर हम अपनी पूरी लाइफ किसी के लिए कुछ भी करें, रात को एक बजे उठ के बोले मैं मुझे ये चाहिए, आप लोग भाग के जाओ, फिर भाग के वापस आओ, ले भाई तेरे लिए, किसी भी काम में हो, ऑफिस में हो, फोन आए, पापा बच्चे हमारे क्या करते हैं, पापा शाम को आते हैं ये लेकर, हाँ बेटा जरूर लेते हुए आएंगे, ये कर हाँ बेटा ये करते हुए, अगर वो तुम्हें कहते हैं लास्ट मोमेंट पे कैसा लगेगा, हर्ट होगा नहीं होगा? राजा के लिए बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। फिर चलो चलो पहली गई, तीन तो बाकी है, शायद इनमें से कोई चले मेरे साथ। दूसरी रानी की तरफ मुड़ता है, दूसरी रानी की तरफ मुड़ के कहता है कि सर तुम मेरे साथ चलोगी, बोले मैंने तुम्हें पूरी नगरी घुमाई, तुम्हें इतना सुंदर सिंगार। दूसरी नंबर रानी कौन थी? कौन थी? कोई कथा सुन रहे कि नहीं? अगर सुनोगे तो फिर ध्यान देकर सुनना, ठीक है? जो सबसे सुंदर थी, राजा जिसको दुनिया में दिखाया करता था, देखो रानी मेरी कितने प्यारी, कितनी अच्छी रानी। दूसरी रानी से पूछता है कि तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी पहली वाली से एक नंबर फालतू, वो बोलती है चलने की क्या बात कर रहा है, मैं तो वेट कर रही हूँ कब तू मरेगा और मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। अब राजा को ये सुन के मतलब पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, वो बोल रहा है एकदम इसकी सबसे सुंदर, चलो पहले वाली ने कम से कम ये तो नहीं कहा था, चलो नहीं चल रही अलग बात है, पर ये तो नहीं बोल रही कि तू मरे फिर बात किसी और से शादी कर लिया, फक्के वाले निकली बोली, ये तो एक नंबर की धोखेबाज निकली। फिर वो तीसरी रानी की तरफ देखता है, तीसरी रानी कौन थी बोला था? तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे मन की बात जानती हो, मैं सारी बात तुम्हारे अपने हृदय की सारी बात तुमसे आगे शेयर करी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब जो तीसरी रानी थी वो बहुत मीठा बोलती थी, मतलब राजा का सारे कभी जितना परेशान होता था राजा अपनी सारी हृदय की बात उससे करता था, अब वो सोचती मैं अगर डायरेक्ट मना कर दूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, तो बोलती हाँ चलूंगी पर सिर्फ दरवाजे पर। तो बोलता है कि कोई चलना कोई चलना है, बोले तू भी बेकार है, बोले अगर ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो आगे बढ़ सकते लेकिन तेरे साथ नहीं चल। फिर वो चौथी रानी की तरफ देखता है और थोड़ा संकोच कर रहा होता है। चौथी रानी बताओ तो कौन सी? जिसको इग्नोर कर रहे हैं। बोला जोर से बोला। जिसको इग्नोर कर रहे हैं। आप लोग कथा नहीं सुन रहे हैं। चौथी रानी कौन थी? जिसको इग्नोर कर रहे हैं। राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट कर रखा, ये कोई काम की नहीं बेकार, कभी भी लोग खातिर से पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी उसको पूछा नहीं, जीवन में सबसे ज्यादा जिसको नेगलेक्ट कर रखा, सोचा अभी एक बाकी है इसके लिए तो हमने कुछ किया नहीं, तब भी जब रानी पर पूछ कर देख लेता हूँ वो क्या करती है। अब वो शर्म कर रहा है पूछने में उससे, पर लेकिन बोलता है चल है तो मेरी बीवी पूछ लेता हूँ, बोलता है क्या तुम मेरे पास चलोगी, थोड़ी रुकती सी आवाज में पूछ रहा है, कहीं करा तो पूरी जिंदगी चाहिए उसके लिए, फिर भी थोड़ी रुकती सी आवाज में बीवी है चलो पूछ लेता हूँ, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया। सबसे पहले तो बीवी ने उसको बोला तुझे शर्म नहीं आ रही मुझसे पूछते हुए, क्योंकि कुछ किया तो है नहीं तूने मेरे लिए, लास्ट मोमेंट में तू मुझसे पूछा तो मेरे साथ चलोगी, तो बोलती है देख राजा वो बात अलग है कि तूने मेरे लिए पूरी जिंदगी कुछ नहीं करा, पर लेकिन मैं अपने हृदय से तुझे प्रेम करती हूँ, तूने कभी मेरे बारे में ये नहीं सोचा कि मैं खुश हूँ दुखी हूँ मुझे किसी चीज की जरूरत है या नहीं है, लेकिन हमेशा मैं तेरे बारे में फिक्र करती रही तेरे बारे में सोचती रही, बोली तू जैसा रखेगा मैं वैसे रहूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी, तू जहां लेके जाना चाहता है मैं तेरे साथ चलने को तैयार। अब ये स्टोरी की राजा, राजा, राजा इसको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा, बोले जिंदगी जिनके लिए हमने दिया है वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जिसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया वो जाने के लिए तैयार है। अब इसकी तात्पर्य जो आप लोग सुना और कोशिश करना इसका जो रहस्य क्या है उसको समझने के लिए कोशिश करो, अगर आप अगर इतनी सी बात आज समझ गए ना, समझना आपका जीवन आज से सुधर जाएगा, आपका जीवन जीवन नहीं जीवन देवता से भी ज्यादा जीवन आपका बढ़ेगा।
देवता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन बन जाएगी अगर इतनी सी बात अगर जीवन में सुनोगे, जो कि हमारे जीवन की सही घटना है, सही है कथा। अब समझो बताएंगे क्या क्या है, बोलो। ये चारों रानियां हम सबकी है, हम सबकी भी ये चारों रानी है। बोले पहली रानी कौन थी, जिसे राजा की पहली रानी कौन थी, जिसकी सबसे प्रिय, हमारा सबसे प्रिय कौन है, हमारा शरीर। कौन है, बोले कैसे, कभी भी कुछ भी इच्छा हो, परिस्थिति कितनी भी खराब हो, मन बोलता है गोलगप्पे खाएंगे, जेब में पैसे नहीं है, पर लेकिन गोलगप्पे वाले के पास क्या बोलेंगे जाकर के, भैया 10 के खिला दे पैसे कल ले लियो। अच्छी साड़ी पहननी है, पैसे नहीं है, घर में जो सामान आ गया चलो आज इस महीने ये चीज कम कर देते, पैसे बचा बचा के नई साड़ी लेकर के आएंगे। शरीर खराब हो रहा है, कमजोर हो रहा है, चलो जिम में जिम करते हैं। मतलब शरीर को जिस अवस्था में जो भी चाहिए, रात को 12 बजे चाहिए, 1 बजे चाहिए, 2 बजे चाहिए, 3 बजे चाहिए, ऑफिस में चाहिए, कितनी खराब परिस्थिति हो कितनी अच्छी परिस्थिति हो, शरीर को जो भी चाहिए एट द मोमेंट हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। लास्ट मोमेंट में शरीर हमारे साथ जाता है क्या, नहीं जाता। एक कदम बोले बोले इसलिए बोले जब झांसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा जाएगा। जो दूसरी रानी थी वो कौन थी, सबसे सुंदर। बोले हमारी दूसरी रानी सबसे सुंदर कौन है, राजा क्या करता था उसको, धन दौलत राजा क्या करता था उसको, घुमाता था। हम हमारी दूसरी रानी कौन है, रुपया पैसा धन दौलत। कौन है, बस एक ही प्रभु जी कथा सुन रहे हैं यहाँ पे, नहीं एक ही प्रभु ये सुने तभी बोल रहे हैं, तो इनका दिमाग काम नहीं करता। अरे वाह, दूसरी रानी है पैसा, मनी। कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जैसे राजा दुनिया को दिखाया करता था, अगर पैसा रहेगा बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया दुकान मकान बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे देखो हमारे पास में कितने पैसा है, कैसे हम साड़ी पहने रखे, कैसे गाड़ी में घूम रहे, कैसे हमारी ये है, ये दुनिया को वो दिखाता है कितने सुंदरी है, सुंदर सबसे सुंदरी। आपको पता होगा पैसा कमाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है, ये सबसे सुंदरी पैसा है, है? उससे पूछा साथ में चलोगी, उसने क्या बोला, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगा। मतलब क्या, देखना बच्चों का नजर कहाँ पर है, पिताजी जो पैसा कमाया, माताजी उनके प्रति सेवा में नजर नहीं है, उनका नजर है पिताजी का पैसा कहाँ पर कितना रखा हुआ, कितने दुकान मकान उनकी, उसी में उनका नजर रहता है। पिता कब छोड़े शरीर, फिर हमारे नाम पर ये ट्रांसफर कब, इसलिए कहती है पैसा क्या बोलती है, तो मरने पर मैं दूसरे से शादी कर लूंगा। मतलब क्या, ये शरीर छूटते ही ये पैसा झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, और जिसको पास में जाएगा वो भोग करेगा। इसलिए कहती भैया मैं दूसरे से शादी कर लूंगा। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जब किसी व्यक्ति को बोलो ना भैया तुम्हें माला कर लो भजन कर लो, वो क्या बोलता है जानते हो, अरे बच्चों के लिए तुम्हें पैसा कमा करके जाओ ना। हमारे गुरु जी कहते थे बोले बच्चों के लिए तुम्हें पैसा कमा करके लोग जाएगा, लोग बोलते हैं। हमारे बड़े गुरु जी बोलते बोले खबरदार बच्चे के लिए पैसा मत रखा कर जाओ। बोले क्यों, बोले बच्चा होना होगा तो कमा ही लेगा, अगर पैसा अगर ज्यादा बचा कर जाओगे ना जुआ शराब और गंजा फूंक करके सारे पैसा को बर्बाद करना, आप देखना ज्यादा करके बच्चे किसके बिगड़े, किसका बच्चे बिगड़े, शराब कौन पी रहे हैं, मांस कौन खा रहे हैं, जुआ कौन खा रहे हैं, बीड़ी कौन फूंक रहा है, जिसको पास में जितने ज्यादा पैसा वही उतना उसको तो दिखाते नहीं। दे पिताजी कितने कष्ट करके दिन रात बराबर करके पिताजी पैसा कमाए, उसको दिखाई नहीं, वो तो अपने आप पैसा मिल गया, इसलिए उसका महत्व नहीं समझता। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते भैया ये पैसा ज्यादा कमा करके रखने की कोशिश मत करो, ऐसे पैसा कमाओ जो इसी जीवन में रहेगा और अगले जीवन में भी रहेगा, वो क्या है। इसलिए विराग कहती है पायो जी मैंने राम रतन पाया, ये धर्म कमा कर मेरा अभी ये बनाएगा। बोलेगा चौथी रानी कौन, तीसरी रानी क्या थी,
तीसरी रानी कौन सी जिसका मीठा मीठा बात से हमारी तीसरी रानी कौन है बोले हमारे घर परिवार वाले बोले कैसे हमें भी प्रॉब्लम हो क्या बोलते हैं कहावत बोलते ना जब तक बोले आप कैसे हो बोले जब तक जेब में पैसा इसलिए पैसा कर आप कैसे नहीं तुम कौन हो तुम कौन हो सबके सब बदल जाते हैं तुम कौन बोला घर परिवार वाले कैसे बोले जब तक आप उनको कुछ देते रहोगे वो आपको बहुत प्यार करेंगे जैसे ही आपने उनको देना बंद कर दिया वो क्या करेंगे निकाल देंगे आपने लास्ट में उनसे पूछा बोले मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए करा जो आप किसके लिए करते हैं आठ आठ घंटे काम करते हैं जाकर के फैक्ट्रीज में जॉब्स में कॉल सेंटर कहीं भी जाकर के फिर उसके बाद ओवर टाइम लगाते हैं ओवर टाइम फिर जब सैलरी आती है किसके लिए लेके आते हैं अपने लिए लेके आते हैं क्या परिवार वालों के लिए लेके आते हैं अपने परिवार को सोचा नहीं हो सकता है दो टाइम की रोटी तो चाहिए और क्या चाहिए जो आठ घंटे बारह घंटे की नौकरी में जो काम करते मेहनत करते पैसे के लिए वो पैसे किस लिए कमाते दो टाइम की रोटी के लिए और शरीर ढकने के लिए वो दो जोड़ी में हो जाता है तो बोले फिर आप बारह घंटे की काम करने की जरूरत क्या है बोले किसके लिए कर रहे हैं बोले अपने घर परिवार वालों के लिए अब जो लास्ट मिनट में उनसे पूछते तुम हमारे साथ चलोगे वो बोलते हैं हाँ चलेंगे क्यों नहीं चलेंगे बोले दरवाजे तक चलेंगे बोले दरवाजे तक चलने तक इसलिए ये पत्नी को सबसे पहला नंबर पत्नी की आई पत्नी से पूछे चलो कि बोले क्यों नहीं बोले कहाँ तक बोले दरवाजा तक चलो बोले आगे बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तक आगे बढ़ सकते हो लेकिन तेरे साथ नहीं चलो तेरे साथ में जिसको अग्नि परीक्षा करके हमने हम शादी करवाए बोले दरवाजा तक चले अभी परिवार वालों से पूछे बोले भैया चलोगे बोले क्यों नहीं तेरे लिए बढ़िया अर्थी सजाएगा और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे बोले कहाँ तक बोले शमशान तक ले जाएंगे बोले आगे चले अब आगे नहीं चल सकते तेरे साथ में अभी ध्यान देकर सुनो जो काम की बात है राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट किया ये बेकार किसी काम में है कभी उससे पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं लेकिन जब अंतिम समय में पूछा ना केवल वही जाने के लिए राजा ये कौन है जिसको जीवन में ध्यान देकर सुनो अभी इतनी सी बात ध्यान देकर सुनो जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा नेगलेक्ट किया बेकार किसी काम में कहते भगवान की भजन है भगवान की भक्ति है भगवान की माला जप करना अगर किसको बोलो भैया दस मिनट दो ठाकुर के लिए एक माला जप करो अगर किसको बोलो एक माला जप करो क्या बोले बेकार सब काम धाम नहीं ना कोई सब हरे कृष्ण कोई सब माला जप करते हैं जिसका कोई काम धाम नहीं है हमारे तो बहुत सारे काम है टीवी देखना है घूमना है सीरियल देखना है जो ना सारे काम के लिए तो अपना समय को दे देते हैं लेकिन जब बोलो भैया एक माला जप कर भजन करो हजार बहानाबाजी करेंगे अरे ये हो गया था ये हो गया था ये हो गया था ये काम रह गया था लेकिन अब देखना जैसे शादी के लिए जाना है ना उसके लिए बहाना कोई नहीं बनाते कोई बहाना नहीं बनाते उसके लिए तो पहले तैयारी बैठेगी कैसे मैचिंग का साड़ी कैसे मैचिंग का सूट कैसे मैचिंग का जूता और कैसे घड़ी कैसे पहले से तैयार बैठेगा कैसे साड़ी पहन के ले जाना उसके लिए लेकिन थोड़ा एक माला दस मिनट बोले समय का हमारे पास में हाँ भजन करने के लिए समय का भाई भैया जो कुछ कर लो लेकिन अंतिम समय में जब कंधे पर चार व्यक्ति ले जाएंगे यही बोलेंगे राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोलो सत्य है सब कोई बात झूठा बोले बेटा एक भी सुई धागा यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रही इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोल मेरे सदा गुरु कृपा करे अपना आप लोग इस भजन सब सुने हैं ना इसलिए मेरे आप दूसरी भजन में कहती हैं
ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ बड़ी इच्छा हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन ही जाकर भी बनेंगे। अब बताओ श्रीदेव का नाम सुने हो? कौन कौन श्रीदेव का नाम? अभी अभी वो बात में शरीर छूट गई, कब तक उसकी नाम रहेगी? अमिताभ बच्चन का नाम, शाहरुख खान का नाम सुने होंगे हैं? इसलिए ऐश्वर्या राय, इनका नाम कब तक रहेगा? दो दिन बाद में सारे नाम खत्म हो जाएंगे। जब तक थोड़ा हाँ ये हो जाता ना, जगत में प्रचार हो जाते हैं, हीट हो हट हो जाती है, तभी थोड़ा नाम, उसके बाद में सब नाम धाम खत्म। अब हनुमान जी का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान का नाम सुने हो? हाथ उठाकर प्रेम करो। चौथी रानी का, कौन से रानी को? सही बता नहीं चली जाओ। इसलिए भगवान की सबसे पहले संतों का कहना है, सौ काम छोड़कर भजन करो, हजार काम छोड़कर काम कर लेने, करोड़ों काम छोड़कर भजन करो, करोड़ों काम को पीछे रखो। क्यों? गधे कुत्ते सुअर भी खा रहे, पी रहे, बच्चे भी जन्म दे रहे। एक कुत्ते के देखो चार चार पांच पांच बच्चा दिया। अभी तक चरण सेवा की दूर छोड़ दो, अपना बच्चे सवेरे उठ कर प्यार छुटाए तुम्हारी। भगवान रामायण क्यों पढ़नी चाहिए? देखो क्या कारण है, इसका क्या रहस्य? रामायण हमें क्यों पढ़नी चाहिए? रामायण पढ़ोगे ना घर में कभी तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगी कभी घर में। भगवान राम स्वयं पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए उनने 14 साल के लिए क्या किया? 14 साल के लिए उन्होंने वनवास चले गए। अभी अपना बेटे को बोलो 14 साल क्या, 14 दिन के लिए कहीं जा? अपना मन मर्जी तो 14 दिन के लिए घूमने चली जाएगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा से एक दिन के लिए भी कहीं कुछ नहीं करेगा। बोले क्यों? कारण है क्या? बोले रामायण हम नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी ने कहा बच्चे को तो स्मार्टफोन पकड़वा दिया, 10-10, 20-20 हजार का, जिसमें बर्बाद जीवन हो सकता है, गलती चीज देख देख कर। लेकिन बच्चे को बोला नहीं, एक तो माला कर और रामायण थोड़ी पढ़, समझ रहे हो? अभी मुसलमान का कंट्री जो इंडोनेशिया नाम सुना, अभी घर घर में रामायण पढ़ रहे, और हमारे यहाँ से संतों को बुला करके वहां पर राम कथा सुनते हैं। बोले क्यों? बोले रामायण सुनेंगे तो घर की बहू बेटी सती बनकर रहेगी, बहू बेटी सती बनकर रहेगी, भाई भाई में प्रेम होगा, और पिता माता को बच्चा सम्मान करेगा, पिता माता को सम्मान करेगा है। इसलिए एक संत कह रहे थे पहले गांव में पूरा एक गुंडा होता था, अभी घर घर में गुंडे जन्म लेते हैं। बोले घर घर में किसका बेटा बात नहीं सुनता है, सभी एक ही बात करते, बेटा बात नहीं सुनता है, हर बात सुनेगा कैसे? घर में टीवी स्मार्टफोन सारा उल्टा पुल्टा लगा दिया, बच्चे को बोला ही नहीं तो रामायण पढ़े, गीता पढ़े, कभी बोला ही नहीं, गुंडे नहीं बन गए तो क्या बने होता? इसलिए क्या करना चाहिए? देखो पहला गुरु पिता माता, पहला गुरु कौन है? माता, पिता माता। पहला गुरु कौन है? पिता माता। पिता माता सबसे पहला गुरु है, ठीक है ना? अगर पिता माता माला करेंगे तभी तो बच्चों को बोले भैया तू भी एक माला कर, अगर खुद ही पिता नहीं करता है, खुद सिगरेट फूंक रहा है, खुद पी रहा है, बच्चों को क्या संस्कार दे, संस्कार दे नहीं सकता। इसलिए पहले क्या करो, घर घर को वृंदावन बनाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करो, पिता माता को बोलो भजन करे, पिता माता को बोलो
भजन करी, भक्ति करी, फिर अपना बच्चे को भी बोलो बच्चा तू भी एक माला जप कर, तू भी ठीक है ना। चार बहू में सबसे कौन सा बहू आदर वर्ग होता? अभी चार बहू की कथा सुनाए ना, कौन सा बहू को आप लोग प्यार करोगे चार बहू में? बोलो जोर से, आवाज नहीं निकल, इतने प्रभु जी इतने परिश्रम कर कथा सुनाए, ठीक है। चौथी बहू क्या है? भगवान की माला, भगवान की नाम। देखो आप चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? ये भगवान है। एक दिन भक्तों ने भगवान को निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। लेकिन भगवान एक शिक्षा देने के लिए बोले, देखो मैं सबको घर में खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाओगे? बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले, लखपति मतलब 1 लाख स्वर्णमर जिसको घर में हो। बोले प्रभु हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते, हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं। 100 रुपया मतलब जिसको पास में 100 स्वर्णमर हो। है इतने में भगवान उनको समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी का नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती हैं, है जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माला है, जो माया के जो बने भैया आखिर वो कंगाल हुए। अब मेरे तरफ में देखो, आप लोग लखपति कैसे बनोगे? हम लोग अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे, सुने हो? कोई सुने? सबके सब जानते हो। कुछ दिन पहले टीवी में आता था करोड़पति कौन बनेगा, कौन करोड़पति बनेगा, आता था ना, आता था ना कि सीरियल करोड़पति कौन। देखो भगवान कैसे लखपति कौन बनेगा, आप मेरे तरफ में देखो लखपति कैसे बनेंगे। देखो जैसे ये माला है, ये माला में देखो ये जो अंगुल की माला, एक की माला ले लेना, ठीक है। देखो ये अंगुल को बाहर रखना, बाहर रख करके ये बीच वाला अंगुल को ऊपर भी ये माला रखना, माला रख करके जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, बोल करके ना एक एक मोती सरकार दे, ठीक है। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, दो मोती सरकार दे। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। देखो लखपति कैसे बना, ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया है। इसमें 108 मूर्ति है। अगर जब यहाँ पर खत्म हो जाए, इसको ऐसे घुमा देना, घुमा कर उधर दूसरे तरफ से लेना, जैसे यहाँ खत्म हो गया इसको ऐसे घुमा कर उधर दूसरे तरफ से करना। अगर 16 माला कर दिया ना हिसाब से 25,000 हो गया, अगर 64 माला कर दिया तो 1 लाख हो गया। भगवान कहते हैं आपने 1 लाख माला नहीं किया, आज आपका नाम पर 1 लाख रुपया बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो गया। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगा? बोले दीन दीन बड़ा सवाल, आज आकर 1 लाख क्या कल तुमको 1.25 लाख मिलेगा, और 4 दिन में 2 लाख, 4 दिन में अगर बैंक में पैसा रखो ना 7-8 साल में डबल होगा, लेकिन इसमें 4 दिन में डबल हो जाएगा। ये मीरा कह रही है दिन दिन बड़ा तो सवाल है। और ये जो धन है ना अगले जीवन में, जैसे इसी जगत का धन आंख बंद करते ही रह जाएंगे, लेकिन ये धन ऐसे का धन यहाँ भी रहेगा और अगले जीवन में पूरा के पूरा आपको साथ में, पूरा के पूरा ये ब्याज समेत मिलेगी। इसलिए कबीर कहते हैं कि दुनिया में मरने के लिए सब डरते हैं। बोले क्यों? बोले भगवान का भजन नहीं किया ना। लेकिन कबीर कहते भैया मैं तो खुश हूँ। बोले भैया दुनिया डरते हैं तो खुश क्यों? बोले कब मरी हो कब भेटी हो परमानंद। वो कहते हैं जिंदगी भर मैंने राम नाम की माला की ना, मेरे को पता अगले जीवन में मेरे ब्याज समय दम मिलेगा। दूसरे लोग डरते हैं कि भजन नहीं किया ना डंडा बढ़ते बढ़ते जाएगा। वो कबीर कहते हैं मरने के बाद नरक भोगना पड़ेगा और एक बेहतरीन नदी पार करना पड़ेगा, बड़ा कष्ट जीवन है मरने के बाद। अगर जीवन में भजन नहीं किया तो बड़ा दुर्गति। आप लोग गरुड़ पुराण सुने होंगे, मरने के बाद सुनते ना गरुड़ पुराण, आप सुने होंगे बड़ा दुर्गति। उसमें बताया टाटी पेशाब खून पी का नदी पार करना पड़ता है, फिर जैसे कर्म किया फिर भोगना। लेकिन भजन करोगे ना सीधा ठाकुर के पास, सीधा ठाकुर के पास, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी। देखो आप लोगों के लिए हमने एक ही माला लेकर गया है, जिसकी इच्छा होगी हम माला जप करना चाहते हैं, आप भी जप करना। और घर में जो बच्चे हैं ना कोशिश करना बच्चों को बोलो एक माला जप करें। जैसे स्कूल जाता है, स्कूल जाने से पहले हम देख लेना
जो बच्चा एक माला जब करेगा पढ़ाई में भी फर्स्ट आएगा, पढ़ाई में भी वो फर्स्ट आएगा, आपको सम्मान करेगा, आपका चरना छुएगा, आपकी बात सुनेगा, क्यों संस्कार बनेगा ना बच्चा, नहीं पिता माता जन्म दिए पहले पिता माता की हम सेवा करनी चाहिए, संस्कार पड़ेगा तभी तो करेगा ना, कहाँ से करेगा। अगर उल्टा पुलटा उसको स्मार्टफोन पकड़वा दिया, उल्टा पुलटा कर दी चीज, वो तो बिगड़ेगा ही, बिगड़ा गया ना, क्या करना उसको, इसको बाद में एक एक सब माला लेकर देना, ठीक है, कौन कौन लेगा माला, एक एक माला लेना और भक्ति करना सबके साथ। आ देखो जैसे आज आप लोगों ने, आज घर का मालिक कौन है, आप इधर है, और आप घर वाली कहाँ है, क्या नाम आपका, क्या नाम है, प्रदीप कुमार है। इन्होंने आज घर में बैठ जाओ, इन्होंने आज अपना घर में संतों को बुलाए, बैठ जाओ, इनको संतों को बुलाए, दोनों ने घर में हरि कीर्तन हो, हरि कथा हो, देखो ध्यान देकर सुनो, जिस घर में संत लोग आए, भक्त लोग आए, घर में कीर्तन हो, कह दो घर नहीं हो भगवान का धाम हो, भगवान की, हाँ भगवान की धाम हो जाता है घर, कह दो घर का जितने पाप है, जिस घर में हरि कीर्तन हो घर में पाप नहीं रह सकता है, घर से सबके सब पाप घर से निकल जाती है, सबके सब पाप, कहते ना मंगल भवन मंगल हरि, इसलिए मेरे भागवत में एक श्लोक आया, बोले सर्वाणी तीर्थानि वसन्ति तत्र, बोले पृथ्वी का सारे तीर्थ कहाँ बैठते हैं, बोले जहाँ पर भगवान की कथा हो, कीर्तन हो, पृथ्वी का सारे तीर्थ है। आज इन्होंने अपना घर में संतों को बुलाया, भक्तों को बुलाया, ध्यान देकर सुना, इसलिए इनका घर नहीं रह गया, ये घर भगवान की धाम, यही घर भगवान की धाम हो गया, वृंदावन बन गया इनका घर, शास्त्र कहता है। और जितने पृथ्वी का तीर्थ है, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, कहते सर्वाणी तीर्थानी, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आ गए, समझ रहे हो, इसलिए जैसे आप लोग आए कथा सुने कुछ ज्ञान हुई, नहीं प्रभु का भक्ति करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए, कितने कितने लोगों को लाभ हुआ उसका पुण्य, ये दोनों प्रभु को इसका पुण्य भी, जोरदार ताली बजाओ। इसलिए देखो, देखो अगर आप लोगों की भी इच्छा हो, भैया भक्त लोग हमारे घर में भी आए, हमारे घर में भी हरि कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, ठीक है ना, आप लोग हमारे बलराम प्रभु जी है, प्रेमचंद जी भक्त लोग है, अब इनसे संबंध करना, ठीक है, अगर आप बुलाओगे घर में आएंगे, आपको बच्चों को समझाएंगे, पिता माता की सेवा करो सवेरे उठ करके, कौन कौन सवेरे उठ करके पिता माता के चरणों में उठते हो, हाथ उठाओ तो, कोई नहीं करता, कारण यही है हमें सत्संग नहीं मिलता तभी तो नहीं करते ना, सास ससुर के चरणों को छूते हैं, सास ससुर के भी चरण हमें छूनी, देखो माता है, ध्यान देकर सुनो, ए हरे कृष्णा, अभी ध्यान देकर सुनो, अगर सास ससुर के चरणों छूटे तो क्या लाभ, ये चीज को समझ लो, अगर सवेरे उठकर पिता माता के चरणों छूओगे, सास ध्यान देकर जब बैठती है तो सवेरे उठ करके गुरुजनों का पिता माता की चरणों छुए, छुने पर क्या होगा, तो बाल ऐश्वर्य जस सब कुछ घर में बैठती है, जैसे समझो एक व्यक्ति का तीन बेटे हैं और घर में तीन बहुएं हैं, तीन बेटे और तीन बहुएं हैं, अगर तीन बेटे तीन बहुएं हैं, समझो एक बहू सास ससुर की बड़ी सेवा करती है, सास ससुर की बड़ी सेवा करती है एक बहू, अब देखना तीन बच्चों को अगर पिता घर का जितने सोना चांदी किसको पास में रहेगा, सास ससुर के पास, है ना, सारे अगर जो बहू ज्यादा सेवा करेगी रोज रोज सास ससुर की, जितना घर का जितने सारे संपत्ति बंटवारा होगी, जो बहू ज्यादा सेवा करेगी ना क्या होगा, उसको सास क्या करेगी, कुछ उठा कर सोना चांदी उसको पकड़ा देगा, बोले इसको तुरंत लग जाए क्यों तुम्हें हमारी ज्यादा सेवा की, और जो रहेगा ना उसको बढ़ावा कर देगी, लेकिन क्या करेगी जो बहुत सारा सेवा करेगी उसको ज्यादा उसको पकड़ा, हर तरह से लाभ ही लाभ है, ठीक है ना, और एक काम जो सास है ना बहू को बहू नहीं समझे, बहू को क्या समझे, बेटे, सास बहू को बहू नहीं समझे, बेटी समझे, और जो बहू है सास को सास नहीं समझे, क्या समझे, माँ पास हो गया, घर नहीं भगवान का धाम ही हो गया, पर लड़ाई झगड़ा कोई बात ही नहीं, लड़ाई झगड़ा का बात नहीं, लेकिन इतनी सी काम के लिए जितने घर में लड़ाई अशांति होती है, ठीक है ना, ये बात को कांट बांध कर ले लो और भगवान की भक्ति करो, भजन करो, देखना घर में शांति सुख, घर में
आनंद ही आनंद रहेगा, ठीक है। हाँ देखो, और एक चीज देखो, संत लोग आए ना आपके घर में, नियम है कुछ दो कुछ लो। बोले देंगे क्या लेंगे क्या, बोले सारे गंदी चीज दे दो, और लेंगे क्या, बोले ठाकुर का भक्ति लो, ठाकुर जी का प्रेम संतों से लो, ठीक है ना। एक ही काम करियो, घर में बहू है और बहू है घर में, दो दो बहू और खड़े हो जाओ तो इनके दोनों बहू कौन है, दो लक्ष्मी कौन है भैया इन घर में, ये एक लक्ष्मी और एक लक्ष्मी कहाँ गई, ऊपर गई, और उस नारायण कहाँ गए कौन है, और एक नारायण कहाँ है, ये भी एक है, ये इधर आ जाओ। देखो घर में आज संत लोग आए हैं, इसलिए नियम है संतों कुछ दो और कुछ लो, समझ रहे हो, कोई खड़े रहो, क्या देंगे सारी गंदी चीज को दे दो, लेंगे क्या प्रभु की भक्ति लेंगे। आप लोग ये बताओ घर में प्याज लहसुन खाते हो, कौन कौन खाते हैं, इधर सुना, देखो ये गीता का श्लोक है, भगवान कहते हैं अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग ला कर खाएगा ना, देखो ये श्लोक है, बोले प्रसाद है सर्व दुखाना, जो मेरे को भोग ला कर खाएगा उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा, कृष्ण बोलते हैं जो मेरे को भोग ला कर खाएगा, लेकिन अगर प्याज लहसुन डालेगा तो भोग नहीं लग सकता है ना, ठाकुर की सेवा नहीं लगता है। और तो कोई गंदी चीज आपका है भैया, केवल थोड़ा प्याज लहसुन, ठीक है ना, अगर इतना चीज अगर छूट जाएगी, आप लोग नवरात्र रखते हो प्याज लहसुन खाते हो कोई नहीं, क्यों नहीं खाते हैं, माता जी को पसंद नहीं है ना, माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो ना, इसलिए क्या मैया को नौ दिन के लिए खुश रखो फिर खा कर नाराज होना। इसलिए भागवत में आया है ये जो प्याज है ना, जिस समय मोहिनी ने वो अमृत बांट रहा था, एक राक्षस धोखे से अमृत पी लिया, भगवान सुदर्शन चक्र को बुलाए, उसको गले को उन्होंने काट लिया, गले को उन्होंने काट लिया, इसलिए जहां पर मांस गिरा वहीं पर ही ये प्याज, जहां पर हड्डी गिरा, ए माता जी इधर जाओ, इधर बात काम की बात सुनो, इसलिए जहां पर ये हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन की पौधा, समझ रहे हो, इसलिए ये प्याज नहीं, देखो जैसे मांस लाल लाल रहेगी, ये प्याज भी लाल लाल रहा, जैसे मांस सड़ जाए बदबू आती है, अब कच्चा प्याज खाओ इतना मुंह से इसे बदबू आएगी, बात नहीं, इसे बात नहीं कर सकते हो, यहाँ पर काटो पूरा घर में पता चलेगा कहीं प्याज कट रही है, कहीं प्याज कट रही है, छोंक दो जो ना घर घर में उसकी बदबू फैली जाती है, इसलिए कृष्ण गीता में तामसिक भोजन बताया, उसको तामसिक आहार बताया, अगर इतनी चीज छोड़ दोगे ना भगवान को भोग लगेगा, देखो ठाकुर को भोग लगने का कितना पुण्य देगा, और नहीं लगने का क्या बुरा। अब लोग टीवी में कृष्ण लीला देखे होंगे, जब कृष्ण सुदामा गुरुकुल में गए थे, उनको माता जी ने, गुरु माता जी सुदामा को जाना दिया, बोले सुदामा कृष्ण को देख रेख आई, लेकिन उसने क्या किया, छुपा छुपा कर जाना खाया, इसलिए कृष्ण ने कहा तेरे को दंड भोगना पड़ेगा, तुमने मेरे चना को खाया है, मेरे को दिए बगैर इतने दुख कष्ट उठाया, इतने गरीबी बना, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, दर दर भटक रहे थे, लेकिन धनी का बने, फिर जब ठाकुर जी के लिए दो मुठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी एक मुठी खाए, दो मुठी खाए, जब तीसरी मुठी खाने जा रहे थे, रुक्मिणी हाथ पकड़ी, बोले नहीं आपने दो मुठी खाया सारे ऐश्वर्य उस घर पहुंच गया, अगर तीसरी मुठी खाओगे ना उसको घर में मैं दासी बनूंगी प्रभु, और मत लो। जब सुदामा घर में आया, सोने की महल, पत्नी राज रानी बनकर के पत्नी बैठी हुई, पहचान नहीं पा रहा था पत्नी को, हजार हजार दास दासियां सेवा कर रही थी, समझ रहे हो, अगर घर में गोपाल जी होंगे है ना, ठाकुर को भोग लगा खाना देखना, खूब माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, घर में खूब पैसा आएगी, क्यों हर चीज पैसा से खरीदी करती है, ये पैसा से, पैसा लक्ष्मी है, अगर ठाकुर को सेवा में हर चीज लगता है, जो कुछ पैसा से लाते हैं अगर ठाकुर को सेवा में लगे है ना, लक्ष्मी तो अपने आप खुश होगी, बोले बेटा फलते फलते रहो, खूब पैसा तुम्हारी घर में है, ठाकुर को ठीक है माताएं, कोशिश करना प्याज लहसुन जैसे घर से छूट जाए, इतना चीज छूट जाएगी, भगवान की भोग लगा कर खाओगे आप स्वयं देख लोगे, भगवान की प्रसाद खाओगे ना मन में इतने शांति, हम कहते ना जैसे खाओगे अपना वैसे बनेगा, आप स्वयं देख लेना घर में भगवान की भोग लगेगा, जैसे सुमित है ना इधर
कि तुम्हारे कुछ लगते हैं इनका मोहल्ले का मोहल्ला लगता है परिवार का देखो इनका देखो इनका मैया को देखो इनकी भाभी को देखो सब तिलक लगाते हैं भगवान की भजन भक्ति करते हैं सबके सब घर में ठाकुर को भोग लगता है संत लोग घर में आते हैं ठीक है ना देखना आप घर भगवान की धाम हो जाएगी ठीक है इतना चीज संतों को देना ठीक है ना भिक्षा रूप में इतना चीज दे देना और उनसे भगवान की भक्ति और प्रभु का नाम लेना ठीक है ना माला ले लेना काम में जाने से पहले एक कम से कम एक दो माला करके जाओ अगर प्रभु का भजन करके जाओगे ना मिट्टी में भी हाथ लगा वो सोना हो जाएगा क्यों कहते ना मंगल भवन अमंगलहारी इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेकर जाओगे घर में सब कुछ बढ़िया होगा बच्चों को भी भजन कराओ खुद भी भजन कराओ ठीक है इसलिए उन्होंने साधु साधु को बुलाया देखो कितना अच्छा काम किया है हम बच्चे का बर्थडे में तो खूब धूमधाम से मनाते लेकिन ठाकुर का जन्मतिथि कुछ नहीं करते लेकिन देखो इन लोगों ने ठाकुर का जन्मतिथि में हमारे घर में ठाकुर का उसी दिन लाए हैं संत लोग आए कीर्तन हो हरि कथा हो अब इनके लिए जोरदार ताली बजाओ आप दोनों आ जाओ हम दोनों बेटे आ गए और दोनों बहू आ गए ठाकुर जी अभिषेक तो तुम कर दो ना तो अभिषेक वो बताएंगे मैंने तैयारी कर दी जा जा तुम दोनों इधर आ जाओ